टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो टोटल कितने कार्बन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन है ये कैलकुलेट करना है। तो कायरल कार्बन हम किसको बोलते हैं, जिस कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, इसका मीनिंग है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और चारों बॉन्ड जो वो चारों डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं, इस तरह का कार्बन जो है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन और उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिस्क से। अगर इस कंपाउंड्स में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड चेक करते हैं, यहाँ पे ये तो sp2 है, ये कार्बन जो है वो कायरल होगा क्योंकि तो इसमें CH3 यहाँ पे अलग ग्रुप, यहाँ पे अलग ग्रुप और एक फोर्थ जो वहाँ हाइड्रोजन भी होगा वो एक और अलग ग्रुप है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो कायरल नहीं है वो। दो हाइड्रोजन अगर होंगे तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है इसलिए वो कायरल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ये तो sp2 है, इसमें एक भी कायरल नहीं होगा। इसी तरह से लास्ट का कंपाउंड देखेंगे, ये कायरल नहीं है, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH2 और CH3 होगा, ये भी कायरल नहीं होंगे क्योंकि दो दो तीन तीन हाइड्रोजन है, ये कायरल होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, आयोडीन है, मिथाइल है और एक अलग ग्रुप है, ये भी कायरल होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन ये अलग ग्रुप है, ये भी एक अलग ग्रुप है, दो कायरल कार्बन से इसमें। अब बाकी जो बच्चे हैं वो कंपाउंड भी चेक करते हैं, तो जैसे इस कंपाउंड में देखेंगे ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, लेकिन ये कायरल होगा, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इथाइल ग्रुप, चारों अलग ग्रुप से, ये कार्बन नहीं है क्योंकि ये तो sp2 है। इसमें अगर देखेंगे तो ये नहीं है, तीन हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन नहीं है, ये दो हाइड्रोजन नहीं है, ये तीन हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, इस तरफ इथाइल है, उस तरफ भी इथाइल है, तो ये दोनों ग्रुप तो सेम हो गए, इसलिए इसमें एक भी नहीं है कायरल। थर्ड यहाँ पे अगर देखेंगे ये कंपाउंड, इसमें ये कायरल नहीं है, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन से, इसको अगर चेक करेंगे तो मिथाइल, ये थोड़ा अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन आयोडीन, तो यहाँ पे कायरल कार्बन है। अब ये लास्ट का कंपाउंड चेक करते हैं, इसमें ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल होगा क्योंकि यहाँ पे HOH, CH2OH और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, चारों अलग ग्रुप से, ये कायरल नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। अब हम फाइनली अगर देखेंगे तो कितने कंपाउंड इस तरह से जिसमें कायरल 8 एटम्स है, यहाँ पे एक कंपाउंड ये था, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा, टोटल 5 कंपाउंड इस तरह से जिसमें कायरल एटम्स है, इसका आंसर होगा 5।